अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा हज़रात, वालिदैन और प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए एक ज़िंदगी का काम करता है। हर इस ज़मीन पर तमाम जानदारों के लिए, चाहे वो हैवानात हो चाहे वो नबातात हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमें कहाँ से फराहम होता है? साल भर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दरकार पानी हमें बारिश के मौसम से मिलता है। आपको पता है साल के 4 महीने बारिश होती है। उस बारिश के ज़रिए पहाड़ों से, नदियों से, तालाबों से और ज़मीन जो पानी सींचती है उससे कुओं में पानी आता है और फिर इस पानी को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि पानी को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो मुंह धोने के लिए हमें पानी लगता है, नहाने के लिए हमें पानी लगता है और सबसे ज़्यादा हमें पीने के लिए पानी लगता है ना। फिर घर के बर्तन धोने हो, घर की सफाई करना हो, पोछा लगाना हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हमारी घर की गाड़ियाँ भी धोते हैं, है ना। ये सब काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ कंपनियां, फैक्ट्रियां भी पानी का इस्तेमाल करती है। बिजली तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और सबसे मेन बात जो है, हमारी हिंदुस्तान की 70% आबादी जो के काश्तकारी करती है, खेती करती है, उसके लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। चाहे किसी भी किस्म के पौधे हो, किसी भी किस्म का गल्ला उगाए, उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इस तरीके से हम पानी का इस्तेमाल देखें और कितनी मिकदार में हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, बाकी दूसरे इस्तेमालात में पानी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। इस तरीके से इस नुक्ते नज़र से हमने देखा कि पानी के कौन कौन से इस्तेमालात हैं।